नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस समय सिविल लाइन प्रयागराज में हूं और पाकिस्तान रावी नदी के किनारे तलवंडी गांव शेखोपुरा में 14 मैं इस समय सिविल लाइन प्रयागराज में हूं और यहां पे पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से गुरु नानक जी की 550 साल पुरानी खड़ाऊ जो कि पंजाब से निकली और उसके बाद श्रीलंका होते हुए अमृतसर होते हुए आज प्रयागराज की धरती पर आई है, जिसके स्वागत के लिए लोग यहां पे पहले से ही आके खड़े हैं। हम समस्त प्रयागवासी और विश्व हिंदू परिषद इस शोभा यात्रा का हार्दिक स्वागत अभिनंदन, जिसमें कि विश्व हिंदू परिषद के लोग भी शामिल हैं इस शोभा यात्रा के लिए, उनका जो है स्वागत करने के लिए। ये पंजाब से, ये पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से आए हुए सिख हैं जो कि अपने साथ 550 साल पुरानी गुरु नानक की खड़ाऊ लेकर आए हैं और जिनके दर्शन के लिए पूरे रास्ते में हजारों लोग जो है अपने आँखें बिछाए बैठे थे। बस आप दूर से ही इस वीडियो में देख रहे होंगे कि ये शोभा यात्रा यहाँ पे है इस समय और ज़्यादा दूर नहीं है, जल्दी यहाँ पहुँचने वाली है। तो मैं जैसे ही आपको पहुँचती है आपको इसका, आपको भी इसका दर्शन कराऊंगा। उनको होम लिख के दिया गुरु नानक देव जी ने, उनके बगल में एक लिख के उनको बता दिया एक होम शोभा यात्रा आ रही है। गुरु नानक जी ने ही सिख समाज की स्थापना की थी और सिख समाज में इनका बहुत ही महत्व है और इन्होंने जो है इन्होंने हिंदू धर्म की भी रक्षा की थी और इसी को देखते हुए VSP के लोग भी इस जगह पे हैं इनके जो है स्वागत दर्शन के लिए। तो ये स्वागत, ये शोभा यात्रा पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से आई है जो कि श्रीलंका होते हुए अमृतसर होते हुए प्रयागराज की धरती पर आई है और यहाँ से ये सीधे पटना की ओर प्रस्थान करेगी। दोस्तों, ये शोभा यात्रा अब हमारे पास पहुँच चुकी है। आप देख रहे हैं कितनी भव्यता से इनका स्वागत किया जा रहा है। मैं एक बार आपको फिर से याद दिला दूं, ये पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से आए हैं और अपने साथ गुरु नानक जी की 550 साल पुरानी खड़ाऊ लाए हैं जिसके दर्शन के लिए लोग यहाँ उमड़े हैं। सिख संस्थापक श्री गुरु नानक जी के खड़ाऊ 550 साल पुरानी खड़ाऊ पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से होते हुए, पंजाब से निकलकर श्रीलंका होते हुए ये अमृतसर होते हुए आज प्रयागराज की धरती पर आई है और लोग इनका स्वागत के लिए उमड़ पड़े हैं। आप देख सकते हैं चारों तरफ गुरु नानक जी की खड़ाऊ के दर्शन के लिए उमड़े पड़े हैं लोग। Oh!
तो ये सिख समाज के संस्थापक श्री गुरु नानक जी के खड़ाऊ पाकिस्तान पंजाब से होते हुए, पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से होते हुए, श्रीलंका होते हुए, अमृतसर होते हुए ये आज प्रयागराज की धरती पर आई है। और ये शोभा यात्रा के दर्शन के लिए लोग हजारों लोग उमड़ पड़े हैं। जल्दी उनकी खड़ाऊ से भी मैं उनके खड़ाऊ को भी दर्शन कराऊंगा। देखिए उनकी शोभा यात्रा जो कि बहुत ही भव्य है। गुरु नानक जी के पंच प्यारे ये शोभा यात्रा, मैं फिर से आपको बता दूं, ये शोभा यात्रा पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से आई है, जो कि श्रीलंका होते हुए, अमृतसर होते हुए प्रयागराज की धरती पर आई है। और इसके बाद ये यहाँ से पाटलिपुत्र पटना की ओर जाएगी। और इसमें 550 साल पुरानी खड़ाऊ श्री गुरु नानक जी की 550 साल पुरानी खड़ाऊ है, जिसके दर्शन के लिए आज वीएचपी के लोग और सिख समाज के लोग यहाँ पे उमड़ पड़े हैं। गुरु नानक जी का अपना एक स्वर्णिम इतिहास रहा है, उन्होंने सिख समाज की स्थापना भी की थी और साथ में हिंदुओं की रक्षा भी की थी। उनके दिए गए बलिदान को ना तो सिख समाज कभी भुला सकता है, ना तो ये हिंदू धर्म कभी भुला सकता है। एक बार फिर यहाँ पे देख लीजिए कि श्री गुरु नानक जी के खाऊ शोभा यात्रा यहाँ पे निकली है।
जो कि पंजाब अधिकृत जो कि पाकिस्तान अधिकृत पंजाब से होते हुए श्रीलंका गई और श्रीलंका के बाद भारत में अमृतसर होते हुए आज इस प्रयागराज की धरती पर है। और जिसके स्वागत के लिए यहाँ पे हजारों लोग उमड़ पड़े हैं। गुरु नानक जी का बलिदान ना तो सिख धर्म कभी भुला सकता है, ना तो हिंदू धर्म कभी भुला सकता है। तो दोस्तों मैं अपनी वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। और जाते जाते मैं भी यही कहूंगा, वाहेगुरु जी खालसा जी, वाहेगुरु जी फतेह।